इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत लिया है। मोहाली के IS बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में इंडिया ने शानदार बैटिंग की और 208 रन बोर्ड पर टांग दिए थे, पर बॉलिंग में कहानी कुछ और ही रही। ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स लगातार गिरते रहे, फिर भी कंगारुओं ने ये मैच जीत सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने बताया कि टीम से कहां गलती हुई। रोहित ने कहा कि टीम की बॉलिंग अच्छी नहीं रही। रोहित ने इस बातचीत के दौरान कहा, मुझे लगता है हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की। 200 डिफेंड करने के लिए एक अच्छा स्कोर होता है। हमने फील्ड में अपने चांसेस नहीं लिए। मुझे लगता है उस स्कोर तक पहुंचने के लिए हमने कमाल की बैटिंग की। इस मैच से ही हम सीखते हैं कि हमसे कहां गलती हुई और हम अगले मैच में कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमें मैथ्यू वेड और टिम डेविड दोनों में से कोई एक विकेट लेना था, लेकिन हम ये नहीं कर सके। उन्होंने 32 बॉल पे लगभग 60 रन के आसपास बनाए। उनके लिहाज से वही मैच का टर्निंग पॉइंट था। अब आपको बताए देते हैं कि मैच में क्या हुआ। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग करने का फैसला लिया। इंडिया ने पहले बैटिंग की। विराट और रोहित जल्दी पवेलियन लौट गए। इसके बाद KL राहुल ने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर पारी को संभाला। राहुल ने 55 रन और सूर्या ने 46 रन की पारी खेली। इसके बाद क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या। पांड्या ने शानदार बैटिंग की और टीम इंडिया को 200 के पार पहुंचाया। पांड्या ने अपने पारी में 7 चौके और 5 छक्के लगाए। पांड्या ने कुल 71 रन बनाए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बारी थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करते हुए कैमरन ग्रीन ने शानदार बैटिंग की। युवा ग्रीन ने 30 बॉल में 61 रन ठोके। इसके बाद स्टीव स्मिथ ने 35 रन का योगदान दिया। लेकिन मैच में ऑस्ट्रेलिया के हीरो रहे मैथ्यू वेड। वेड ने 21 बॉल में 45 रन ठोककर ऑस्ट्रेलिया को मैच जिता दिया। भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल ये मैच भूलना चाहेंगे। भुवी का तो एशिया कप से ही डेथ ओवर बॉलिंग में हाथ खराब दिख रहा है। भुवी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने 19वें ओवर में एक बार फिर 16 रन दे दिए, जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया का जीतना तय हो गया था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 नागपुर में 23 सितंबर को खेला जाना है। नमस्कार, मैं हूं पुनीत, कैमरे के पीछे हैं जतिन और ये खबर आप लर्न टॉप स्पोर्ट्स पर देख रहे हैं। यहां हम आपको क्रिकेट से जुड़ी सारी बड़ी खबरें लगातार पेश करते रहते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बाकी स्पोर्ट्स की भी सारी अपडेट्स लगातार पहुंचाते रहते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लगातार सारी अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए लर्न टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।